नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिए, आज हमारा जो ये साइंस का टॉपिक रहेगा, वैसे आप सभी को पता है साइंस में हमारी जो सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने ये 35 क्वेश्चन कल की क्लास में पढ़े थे जो कि मॉर्निंग की क्लास में। आज से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 36 से लेकर 70 या 75 तक अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्न में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। और बिल्कुल एमीमीटर होगा या एनीमोमीटर होगा या अल्टीमीटर होगा या ऑडियोमीटर, तो बड़ा आसान भी है। और जो भी भाई ने बता रहे सर यहाँ पर राइट आंसर जो है बी होगा, तो एनीमोमीटर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े बिल्कुल। और वैसे जो है ना एमीटर जो है एमीटर से क्या होता है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है, वो किससे मापी जाती है, वो एमीटर से मापी जाती है। और एनोमीमीटर की बात करें तो ये जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है, ये बड़ा आसान है। राइट आंसर काफ़ी भाई बहनों का आया था, ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको देना था बाहर आके कमेंट सेक्शन में, तो आंसर आप सभी का आया था केल्विन। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में ताप का मूल मात्र क्या है, तो केल्विन है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे हम आज पढ़ते हैं एसआई, कब से लागू की गई थी, एसआई कब से लागू करी गई थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971। ठीक है, और ये एमकेएस का परिवर्धित रूप है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक जो है वो कौन सा है, इनमें से संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए एसआई का संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल मीटर प्रति सेकंड, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, संवेग पूछा है ना तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है, जल्दी बता दीजिएगा। अगर देखिए अभी तक आपने पाँच क्वेश्चन में से अभी तक आपने तीन भी सही किए हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतर में है, आप बेहतरीन प्रदर्शन में है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोई इकाई नहीं, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप सभी लोग। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो है वो कौन सी है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो कौन सी, आप सभी को पता होना चाहिए, डेसीमल। दोस्तों देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है ना वो कौन सी है, वो डेसिमल है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी का, सॉरी डेसिबल का, है ना, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी है, डेसिबल है, और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक भी ये है। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष जो है ना, देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश के तीव्रता की। प्रकाश वर्ष की बात करें तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है, दूरी की, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। और नंबर 44, ओजोन की सांद्रता को मापने की जो इकाई है ना वो कौन सी है। अब देखिए कल हमने पढ़ा था शाखाएँ, जो भी अध्ययन था वो हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग बात करेंगे अधिकतर इकाइयों पर, और इकाइयों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो बिल्कुल जो है आपको एंड तक जुड़े रहना है और ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी है आपको यहाँ से। तो यहाँ पे राइट आंसर हर्ट्ज जूल्स या कैलोरी कौन से को करें, देखिए डेब्सन होगा, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली जो इकाई है ना वो है डेब्सन। क्या है डेब्सन? अब देखिए ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओजोन जो है परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बोले सर सितंबर में, कौन से सितंबर को मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भी दे रखी है आपको। क्लियर, बेल किसकी इकाई है, देखिए दोस्तों बेल जो है ना किसकी इकाई है,
तीव्रता की है, दाब की है, पिच की है या फिर ध्वनि की है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की। देखिए बेल जो है ना, ये किसकी इकाई है? बेल ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर होगा। एक आता है नेपर, नेपर जो होती है, नेपर है ना, नेपर जो है ये भी एक ध्वनि की ही इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? ऊर्जा का, ध्वनि का, शक्ति का या फिर बल का? ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर जो है ऊर्जा का लॉक करें हम लोग, है ना। देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है जल्दी से। देश का पहला, मतलब कि इसको औषधि संस्थान भी कह सकते हैं हम लोग, औषधि संस्थान है ये, देश का पहला औषधि संस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो सुनो लखनऊ में है, लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1951 में ये अनुसंधान बन गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? ये आसान, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म की बात हो रही ना, तो ये हिसार में है। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान की बात करें, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान की अगर बात करी जाए, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में करेंगे, मतलब कि कुल्लू नामक एक ज़िला है वहाँ पर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान है वहाँ पर, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन जो है वो हिसार हरियाणा में है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के भी कहाँ पर है? बोले सर बरेली में है, उत्तर प्रदेश की बरेली में ये स्थित है। क्या? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? और एक और चीज़ यहाँ पर, हरियाणा के करनाल में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर? ये करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ओके क्लियर है? नंबर 49 हो गया अपना। और 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है बताइए। दोस्तों वनपाल वन रक्षक के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली आपके लिए जो है, वनपाल वन रक्षक के लिए स्पेशली जो कि आपके लिए बना रखे हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये अपना है मैसूर, कर्नाटका में है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति मतलब कि SI है, और SI में पास्कल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। ये आसान है और बिल्कुल ईजी भी है। तो यहाँ पर है जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दाब। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? तो है जो दाब होगा। और दाब की इकाई की हम बात करें तो है जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। और इसका SI मात्रक, SI इकाई क्या है? तो SI इकाई है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि पास्कल है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नंबर 52। देखिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, या फिर कोवन ने, या डनलप में ने, या फिर जो है स्टीफेंसन ने। तो वैसे अगर आपसे सन का पूछा जाए तो आप लोग करेंगे 1928, और अगर आपसे पूछा जाए कि खोज किसने करी, कौन व्यक्ति थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रोफेसर SC माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर SC माहेश्वरी जो है अपने कौन से योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल है जो ए ऑप्शन, जो भी भाभी ने बता रहे बिल्कुल सत्य है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 54, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने करा था ये बताइए। बॉल पॉइंट या फिर बाल बोलो या फिर बॉल पॉइंट पेन बोल लीजिएगा आप, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है ये किसने करा था? टोरिसिली ने, या मैकमिलियन ने, या हगेंस ने, या बीरो ने? देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है। तो राइट आंसर आप सभी को डी ऑप्शन ही होगा। और देखिए बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया?
एल बीरो ने, ठीक है, वैसे इनका नाम एल बीरो है, ठीक है, इन्होंने बाद में इनका नाम जो है चेंज कर दिया था, लाजियो जोसेफ कर दिया था, ऐसा कुछ नाम करा था, ठीक है। तो ये खोज कब हुई थी, 1931 में होती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसको भारत के बर्ड मैन के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किसको भारत के बर्ड मैन के रूप में, अगर हम वैसे हम बात करें कि भाई बर्ड मैन की, तो सलीम अली ही होगा, ठीक है, और सलीम अली है जो, लॉक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल आसान भी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर देखो अगर पूछा जाए आप लोगों से तो कि भाई अपन क्या बात करें, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान में, पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान में कहाँ पर है, तो भरतपुर का केवलादेव अभयारण्य है, और इनका मुख्य योगदान इसी के लिए रहा था, किसके लिए, केवलादेव घना पक्षी विहार के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यूँ पूछा जा रहा है, 56 है कि पीएच स्केल की खोज जो है ये किसने करी थी, ये आपको बताना है, पीएच स्केल की खोज जो है ये किसने करी थी, तो दोस्तों ये 1909 में करी थी पीएच स्केल की खोज, और ये करी थी एपीएल सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने करी थी खोज इसकी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 57 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ यूँ पूछा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने करा था, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये क्वेश्चन हमने पढ़े भी हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो यकीन माने दोस्तों जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, जो भी पिछली साल से लेकर हमने अभी तक पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नरेंद्र कप्पानी जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करा था इन्होंने, कप्पानी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये पूछा जा रहा है एक्सरे की खोज किसने करी थी, ये बताइए एक्सरे की खोज जो है ये किसने करी थी, तो ये करी थी रोएंटजन ने, ठीक है, रोएंटजन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये तो आप सभी को पता ही है, क्लियर है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 59 की वायुयान का आविष्कार किसने किया था, वायुयान का आविष्कार किसने किया दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। और राइट आंसर आप सभी का क्या होगा इसमें, इसमें होगा ए और सी, मतलब कि ए और सी, जैसे आरविले राइट और विलियम राइट, देखिए जो दो राइट थे ना, विलियम विलीबर राइट और आरविले, आपको याद रखना आरविले और विलीबर, आरविले वे विलीबर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और इनके द्वारा जो निर्मित थी ना वायुयान, इनकी पहली जो उड़ान रही थी वो 1903 में पहली उड़ान रही थी, जो कि वायुयान का पहला आविष्कार हुआ था 1903। 59 हो गया आपका, और 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई भाभा परमाणु, देखिए पूछा ये जा रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है, ये आप लोगों से क्वेश्चन करा जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब कि BARC ये कहाँ पर है, मुंबई में है, बिल्कुल सर मुंबई में है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और नंबर 61 आप सभी की स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। पूछा यूँ जा रहा है वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जो थे वो कौन थे, तो यहाँ पे जो सीवी रमन थे आपके, कौन थे, सीवी रमन, जो भी भाई हमने डी ऑप्शन बता रहे, बिल्कुल सत्य बात है। और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया है गया है 1930 में मेरे ख्याल से इनको, है ना, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले सीवी रमन है, ओके। और अगला क्वेश्चन नंबर 62, शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले जो थे वो कौन थे, शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले जो थे वो कौन थे, तो सुश्रुत थे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, वह कौन सा चिकित्सक है जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, तो वो होते चरक, ठीक है, ये कौन थे, चरक थे, याद रखिएगा दोस्तों। और चरक के बारे में हमने अभी बात करी नहीं करी अभी, है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा आगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 64 पूछा ये जा रहा है कि भी राडार का आविष्कार किसने करा था, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, राडार का आविष्कार किसने करा था, तो राडार का आविष्कार करा था वॉटसन वॉट ने राडार का आविष्कार करा था, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये राडार होता क्या है, राडार का अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु का पता लगाना, है ना, किसी वस्तु का पता लगाने की जो प्रणाली हो, या फिर किसी भी प्रकार से ये पता लगाने वाला एक यंत्र हो, किसी
भी वस्तु का पता लगाने के लिए याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि भाई लेसर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। लेसर कहो या फिर लेजर कह सकते हैं आप लोग इसको, लेजर का आविष्कार किसने करा था, आविष्कार करा था मेमन ने, टी एच मेमन ने करा था आविष्कार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो आपका लॉक हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 66, और जल्दी से आंसर भी बनेगा। देखिएगा पारसी परिवार में जन्मे वे टाटा परिवार से जो संबंधित है वो कौन है, डॉक्टर मेघनाथ शाह या फिर पंचानन माहेश्वरी या होमी जहांगीर भाभा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा साहब हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है जो लॉक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई के आसपास हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की रहेगी, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी नहीं, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ये हो जाएगा बिल्कुल जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है, ये आप सभी को बताना है। देखिए जल्दी से 68 नंबर क्वेश्चन है और राइट आंसर पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। और नंबर 69 है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है ना वो क्या नीचे गिरेगा या फिर वहीं रहेगा या ऊपर उठेगा या फिर इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल जो है राइट आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूँ पूछा जा रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा हो जाएगा, अधिक लंबा होगा या फिर गोलाकार या अधिक छोटा या फिर जो है वही रहेगा, तो यहाँ पे जो गोलाकार हो जाएगा ये आकार कैसा होगा, गोलाकार इस प्रकार का हो जाएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है गोलाकार रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन 71 आपकी स्क्रीन पर है, और कई बार हमने इस प्रश्न के बारे में भी डिस्कस करा लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैंने किसी पेपर से उठाए हैं, ठीक है। तो बर्फ पानी पर तैरता है तो क्यों तैरता है, देखिए तैरता क्यों है, तो बर्फ़ में वायु भरी होती है इसलिए, या बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, जी बिल्कुल ये आपकी बात सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, और आज हमने टोटली 36 क्वेश्चन पढ़े हैं, 36 में से आपके कितने सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। आपको इसकी देखिए PDF जो है जो लाइव क्लास की जो अब की PDF है ये तो आपको ऐप में मिलेगी, और जो भी PDF या फिर देखिए हमने अगर बात करें जो थ्योरी वाली है और भी काफ़ी इससे पहले जो नोट्स है हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, थ्योरी वाली PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए ये जो नोट्स है ये जो वेबसाइट है अपनी राजस्थान क्लासेज, आप गूगल पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेज तो वहाँ पर जो भी फ्री कंटेंट है वो आप उपलब्ध वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहो कि हाँ सर हमें तो ऐप से लेना है कोर्स, तो आप ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो आज शाम को बताऊँगा ऐप के बारे में तो वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्लियर। तो इसका जवाब आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर है जो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।